हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप क्लियर कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को आप जो है खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज को खाली करने के लिए ना आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल ऐप होता है, ये वाला गूगल फाइल ऐप होता है या फाइल मैनेजर होता है, आप चाहे तो गूगल फ़ोन की अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं गूगल फाइल ऐप ओपन कर लेता हूं एग्जांपल के लिए। तो ये ऐप ओपन होगा तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है 128 GB। ठीक है, तो मेरे मोबाइल फोन में यहां पर 128 GB स्टोरेज है इंटरनल, और यहां पर ये वैसे तो खाली है, लेकिन अगर आपका भर जाता है तो आपको इसमें आना है और यहां पर आपको क्लीन के ऑप्शन पर टैप करेंगे ना नीचे, तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे फ्री अप स्पेस पर टैप करना है, क्लीन अप पर टैप करना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन की फोटो वीडियो वगैरह जो लॉन्ग फाइल्स हैं वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। यहां पर आप जो है ना अपने मोबाइल फोन की गैलरी में से भी आप जो है फालतू की फोटो वीडियोस को आप जो है डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो काफी लंबे समय से यूज करने के बाद जो है उनका काफी सारा डेटा जो है कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उनका डेटा जो है अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स का वो क्लियर कर दीजिए, यानी कि डिलीट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए आपको एक एक करके ऐप को डेटा क्लियर करना है। कैसे, आपको कोई भी ऐप उंगली से दबाना है तो एक छोटा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है तो आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है तो आपका ये अगला पेज आएगा, क्लियर स्टोरेज और ये क्लियर कैच के दो ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी ये जो यूजर डेटा होता है आपका लिखा हुआ होता है, यह आपका KB में, GB में, MB में, GB तक में आपका जो है कंज्यूम कर जाता है, जिसके वजह से आपका जो स्टोरेज है वो भर जाता है। यहां पर जो आपको पहले क्लियर कैच पर सिलेक्ट करना है तो कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, इसके बाद क्लियर स्टोरेज पे सिलेक्ट करना है, एक पेज आएगा डिलीट ऐप डेटा, इस पे डिलीट पे टैप करना है तो आपका यूजर डेटा भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है मोबाइल फोन के सारे ऐप्स का डेटा डिलीट कर देना है, और जितने भी आपके मोबाइल फोन में जो ऐप्स होते हैं ना फालतू के, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उन सभी ऐप्स को आपको अनइंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल फोन से। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे मोबाइल फोन का जो स्पेस होता है वो घेरते रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है जो फालतू के ऐप्स हैं। ठीक है ना, और दोस्तों यहां पर जो है आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन के जितने भी ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है ना, अगर आप अपने मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड को यूज करते हैं तो आप अपने इंटरनल स्टोरेज से सभी ऐप्स को मूव कर दीजिए, यानी कि ट्रांसफर कर दीजिए अपने मेमोरी कार्ड में, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर दोस्तों आपको ये प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो है ना काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनमें ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है, उन्हें आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी फोटो या वीडियो सेंड करता है ना, तो आप उसे डाउनलोड करते हैं तो वो फोटो या वीडियो आपकी ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होकर जो आपकी मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली जाती है, जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है वो भरता रहता है। तो आपको उन सभी ऐप्स तो आपको जो ना उस सेटिंग को बंद कर देना ऑटो डाउनलोड की। ठीक है, जिस ऐप में आपकी ऑटो डाउनलोड की सेटिंग है उसको ऑफ कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं, जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी, मोबाइल फोन का डेटा और भी बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो भर जाता है। यहां पर आपको जो है उन सभी ऐप्स को स्टॉप कर देना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, ऐप्स पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको वही ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं। इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे, देखिए कोई भी ऐप आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस का यह ऑप्शन मिलेगा। रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने वाले सर्कल पर टिक मार्क लगाइए तो आपका यह ऐप जो है स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पर रन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये आपके मोबाइल फोन की बैटरी, डेटा और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम नहीं करेगा, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज नहीं भरेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से एक एक करके सभी ऐप्स को स्टॉप कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐप्स के ना लाइट वर्जन आते हैं, जैसे फेसबुक लाइट, ट्विटर लाइट, फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट, इनके लाइट वर्जन आते हैं। दोस्तों नॉर्मली जो है हमारा इंस्टाग्राम ऐप जो होता है वो 50 से 70 MB का होता है, जो हम इंस्टॉल करते हैं ना तो हमारे मोबाइल फोन का
स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा घेरता है। तो आपको इंस्टाग्राम को जगह जो आप इंस्टाग्राम लाइट का यूज़ कर सकते हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, लेकिन इंस्टाग्राम लाइट जो होता है उसकी इंस्टॉलेशन MB जो होती है वो आपकी कम होती है, 2 से 5 MB तक। जो आपकी नॉर्मल इंस्टाग्राम होता है वो आपका 50 से 70 MB के बीच में होता है, लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम लाइट होता है वो आपका 2 से 5 MB तक का ही होता है, ठीक है ना। आप ऐसे लाइट वर्जन का आप यूज़ कर सकते हैं जिसके कारण आपका स्टोरेज जो है वो खाली रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करने से पहले आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी काम के डेटा है ना, जैसे कि फोटो वीडियो, जो भी काम का है, सिर्फ जो काम का है, उन्हें आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो आपका जो है ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करने से, ठीक है ना। तो आप उसे बाद में रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो काम का डेटा उसे आपको ट्रांसफर कर लेना है दूसरे फ़ोन में, और आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना पहले से, ठीक है ना, ताकि आप उसे अपने फ़ोन में दोबारा से लॉगिन कर सके बाद में, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा और खाली रहेगा भी, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस यूज़ करके ज़रूर देखिए।